यो 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 लॉस स का मौसम हो रखा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक और उससे भी ज्यादा खतरनाक अमीर हो रखे हैं ये लॉस एंटोस के पुलिस वाले क्योंकि इन्होंने खोल लिया एक और कार शोरूम और ये क्या मैं अपनी साइकिल से गिर गया अरे मेरे पास एक ही साइकिल है उसको मैं खो नहीं सकता रुक जाओ वापिस लेने जाना पड़ेगा मेरी साइकिल मिल गई मिल गई मिल गई तो मैं बोला था की लॉस एंटल के पुलिस वाले हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा अमीर क्योंकि उन्होंने एक नया नया कार्स का शोरूम खोल लिया है और उस कार के शोरूम पर अभी हम जाने वाले ये शोरूम पानी के ऊपर बना हुआ है तो इसको भी हम देखने जा रहे हैं क्या चल रहा है शोरूम के अंदर आप देख सकते हो लॉस सेंटोस के बीच पर एक खतरनाक सा शोरूम यहाँ पर बनाया है चलो देखते हैं इनका कार कलेक्शन कैसा और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं हेलो अंकल कैसे हो रुक जाओ तुम अंदर नहीं जा सकते अरे क्यों नहीं जा सकते अंदर चड्डी पहन के जाना अलाउड नहीं है अरे ये चड्डी नहीं है ये शॉर्ट्स है वो जो भी है तुम्हें पैंट चाहिए होगी जाओ पैंट पहन कर अरे अभी पैंट पेंट से पहन के आऊंगा मुझे नहीं पता जा अभी जा मुझे नहीं पता अगर अंदर जाना है तो पैंट तो पहननी पड़ेगी अच्छा ठीक है मैं सोच रहा था यहाँ पर पाँच पाँच गाड़ियाँ खरीदने का पर मैं चला जाता हूँ अरे सर से सर, सर रुको रुको सर हाँ बोलो क्या हो गया सर आपने बोला पाँच गाड़ियाँ खरीदने वाले हाँ खरीदने तो वाला था पर अब नहीं खरीदूंगा अरे सर सर मैं तो मजाक कर रहा था आप चड्डी पहन के आ सकते है आइए आइए सर पर फिर रूल्स का क्या होगा अरे सर हम रूल्स तो बनाते तोड़ने के लिए आइए आइए सर हमारे शोरूम का आपका स्वागत

आपका स्वागत है पुलिस कार शोरूम में बोलिए क्या आप ये गाड़ी खरीदना चाहेंगे हाँ मुझे अच्छी तो लग है क्या इसके अंदर मैं बैठ सकता हूँ सर आपकी गाड़ी समझिए बैठ जाइए बैठ जाइए क्या मेरी गाड़ी समझू तो कहा सर, आप देख सकते हो कि मर्सिडीज कितनी ज्यादा खतरनाक है अंदर से भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है सर कैसी लगी आपको गाड़ी क्या मैं इसकी टेस्ट ड्राइव कर सकता हूँ सर कीजिए कीजिए अपनी गाड़ी समझिए ओके लेट्स चलो टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये मर्सिडीज तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है एक सेकेंड ये कहा जा रहा रास्ता ये तो बाहर समुद्र की तरफ जा रहा है पर छोड़ो बताइए सर आपको कैसे लगी ये गाड़ी क्या आप खरीदना चाहेंगे हाँ मैं खरीदना चाहूंगा कितने की है ये गाड़ी सर आप हमारे पहले कस्टमर है इसलिए सिर्फ आपके लिए वन मिलियन डॉलर अरे सर क्या हो गया अरे सर के लिए पानी लाओ अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ वन मिलियन डॉलर्स हाँ सर वन मिलियन डॉलर तू तो थोड़ी महंगी नहीं है अरे सर महंगी कैसे होगी ये हमारे पूरे शोरूम में सबसे सस्ती गाड़ी है क्या सबसे सस्ती गाड़ी है तो सबसे महंगी कौन सी है सर ये लिमिटेड एडिशन कौन ही ये दुनिया में सिर्फ एक ही है और इसकी प्राइस है नाइन्टी मिलियन डॉलर नाइन्टी अरे एक रुपए का छोड़ा हंड्रेड मिलियन ही कर देते ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी है ऐसा क्या इसके अंदर सर ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट पुरस्कार है ये पानी में चलती है हवाओं में चलती है और ये कुछ भी कर सकती है इसलिए इतनी महंगी है क्या पानी और हवा में चलने वाली गाड़ी क्या मैं इसकी टेस्ट ड्राइव कर सकता हूँ नहीं सर आप इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं कर सकते आपको इसको डायरेक्ट खरीदना ही होगा अरे कौन खरीदेगा हंड्रेड मिलियन डॉलर वाली मुझे तो ये बताओ वैसे पैसे तो मेरे पास इसको खरीदने की भी नहीं है बताइए सर पेमेंट कैसे करेंगे कैश या कार्ड आप आता आता कैश कर दूंगा पर एक सेकेंड आपने मुझे बोला था की आपका पहला कस्टमर हूँ तो पहले कस्टमर को सर्विस तो अच्छी दोगे ना हाँ सर आप जो बोलेंगे वो करेंगे अच्छा ठीक है तो यहाँ पर तो मैंने टेस्ट ड्राइव ले ली पर मुझे बाहर जाके ड्राइव लेनी है मुझे रोड पर इसको चला के देखना है क्या रोड पर नहीं नहीं सर वो नहीं हो सकता अरे क्यों नहीं हो सकता मैं तुम्हारा पहला कस्टमर हूँ अरे सर ये अलाउड नहीं है अपने पहले कस्टमर को मना करोगे शर्म नहीं आती ठीक है मैं जा रहा हूं। अरे सर रुके रुके। अच्छा ठीक है आप पहले कस्टमर है इसलिए अलाउ करते हैं पर आपके साथ पुलिस वाले भी चलेंगे हाँ हाँ चल लेना कोई दिक्कत नहीं है ओके सर चलिए मैं सारे पुलिस वालों को बोला रहता हूँ सारे मतलब अब एक दस पंद्रह जनों को लेके चलोगे अरे का मैंने नहीं सोचा था ये सारे पुलिस वालों को बुला रहा था इसका मतलब ये कि सारे के सारे पुलिस वाले गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे ये देखो ये चार चार पुलिस वाले गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए और ये एक अंदर बैठा है पांच पांच पुलिस वालों के साथ मैं इसकी टेस्ट ड्राइव करने जा रहा हूं। मैंने तो सोचा था इस गाड़ी को मैं आराम से चुरा लूंगा पर इन पुलिस वालों के साथ कैसे चुराऊ अरे सर टेस्ट ड्राइव कम्पलीट हो गई चलो आपके शोरूम की तरफ अरे रुको रुको सर यार आपके साथ पांच पांच पुलिस वाले आपको कोई दिक्कत देने वाली मुझे इसकी ढंग से टेस्ट ड्राइव लेने दो तो कहे सर

को यहाँ पर मार दिया है और आप देख सकते हो गाड़ी पानी मरा और आप देख सकते हो गाड़ी हमारी पानी के अंदर आ नहीं ये, गाड़ी वाली ये वन बिलियन डॉलर की गाड़ी है इसमें से पानी हम बाद में निकाल लेंगे तो मैंने आज सोच लिया है मैं वो पूरे के पूरे पुलिस शोरूम को खाली करूंगा और उनकी जितनी गाड़ी है वो इधर आके पानी में छुपाऊंगा ताकि वो टूट भी ना पाए और उनके जो ट्रैकर्स है वो भी यहाँ पर

अच्छा अच्छा हाँ हा। वो पांच पुलिस वाले ने बोला कि हमको इस गाड़ी में टायर में हवा भरवानी है इसलिए वो, वो वो ले गए मेरे से गाड़ी अच्छा ले गए आब, 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 हवा, आब, हवा, आब, हवा गए हवा होंगे मुझे क्या पता तो सर आप पैदल पैदल क्यों आए हो अरे उन्होंने मुझे पैदल पैदल भेज दिया कैसा तुम्हारा स्टाफ है सही सुधारो स्टाफ को और उन्होंने मुझे बोला अपनी अगली गाड़ी चूज करने के लिए उसकी टेस्ट ड्राइव भी मैं कर सकता हूँ मुझे ये बी बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है क्यों ना इसकी टेस्ट ड्राइव करी जाए लेट्स गो पहले मर्सडीज और बी No! मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारी गाड़ी बाहर गई हो और गाड़ी के साथ साथ पुलिस वाले भी गायब हो गए हो मुझे लगता है ये चोर है और इसने सारे पुलिस वालों को मार दिया और गाड़ी अपने पास रख ली रुक जाओ इसको बार बचाने देना सर मैं जा रहा हूँ रुक जाओ तुम ऐसे नहीं जा सकते पकड़ो इसको अरे भागो जल्दी उसको पकड़ो वो चोर है जल्दी पकड़ो अरे भागो 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 जल्दी भागो उनको पता चल गया मैं आप

सारी पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है आगे पुलिस पीछे पुलिस पुलिस साइड में क्या करू मुझे जल्दी से जल्दी कहीं पर छुपना पड़ेगा और आपको अब थोड़ी देर शांति से इस पानी के अंदर रहेंगे ताकि कि किसी को पता ना चले और मेरी गाड़ी यहाँ पर डूब चुकी है किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला तो ज्यादा देर हो चुकी है और मुझे लगता है पुलिस ने मेरा पीछा छोड़

वीडियो को लाइक कर दो तो अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो और कमेंट में लिख देना गुड लक फ्रैंकलिन चोर ताकि मैं सारी की सारी गाड़ी ढंग से चुरा पाऊँ और आप सभी सब्सक्राइबर में से जो भी कमेंट करेगा उसमें एक लकी सब्सक्राइबर को मिल सकती है खतरनाक सी गाड़ी जो की में से निकाल के मैं दे दूंगा जो आपको गाड़ी चाहिए बी एमडब्ल्यू मर्सडीजी जो भी गाड़ी चाहिए वो बता देना सिवाय उस कोनी के क्यूँकी वो मैं रखूंगा वन मिलियन डॉलर की मैं किसी को दे नहीं सकता बराबर से कमेंट कर दो अगर आपको वो गाड़ी चाहिए तो और अपन चलते अपनी अगली गाड़ी चुराने मेरी बात सुनो मुझे पता चल गया है हमारे शोरूम में चोरिया हो रही है ऑलरेडी दो दो गाड़िया चोरी हो गई है इसलिए एक और गाड़ी भी चोरी नहीं हो सकती सारे के सारे काम छोड़ दो और मेन गेट पर आके खड़े हो जाओ इस मेन गेट से कोई भी अंदर नहीं जा सकता और खास करके वो काला चोर तो अभी हम आ चुके हैं शोरूम पर वापस और इस बार इस पानी वाले रास्ते से फटाफट से अपनी बोर्ड को यहाँ पर खड़ा कर देते ताकि इसके ऊपर अपनी सारी की सारी की रख पाए चूँकि हम चुराने वाले वो मेन गेट पर तो बहुत सारे पुलिस वाले खड़े पर यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा और यहाँ से हम अंदर घुसेंगे और इस बोट पर गाड़िया रख के यहाँ से निकलेंगे चलो फटाफट से इसको ढंग से खड़ा कर देता हूँ यहाँ पर और अपन चलते हैं गाड़िया लेकर आते हैं तो चलो फटाफट से शोरूम के अंदर घुसते हैं और अपनी अगली गाड़ी चुराते हैं चलो 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 फटाफट से हमारी बोट यार बस कहीं चली नहीं जाए बस वो एक जगह खड़ी रहनी चाहिए चलो चलो चलते 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 हैं कौन सी गाड़ी चुराई जाए इस बार मुझे वो फरानी चुरानी थी तो सबसे पहले फरानी देखो कितने सब सब देख और चुपचाप हम ये फराली लेके यहाँ से निकलने वाले है चुप रहो वो काला चोर नहीं आना चाहिए अरे बॉस पर मेरी बात तो चुप रहो वरना नौकरी से निकाल दूंगा ओके बॉस चोरी होती है तो होने दो लेट्स गो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं अपनी खतरनाक से पुलिस वाली फरारी लेके और क्या जरा आप देख सकते हो अभी हम यहाँ से बाहर आ चुके अगर आप सोच रहे हो इतना बड़ा प्लान बना के मैं सिर्फ एक ही गाड़ी चुराने वाला हूँ तो नहीं 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 पहले इस वाली गाड़ी को बोर्ड के ऊपर रख देते हैं और ये यहाँ पर बिल्कुल ढंग से आ चुकी है अब हम जाएंगे वापिस से शोरूम के अंदर और अगली गाड़ी लेकर आएंगे एक गाड़ी से हमारा कुछ नहीं होने वाला कम से कम दो गाड़ी तो मैं चुरा के रहूंगा चलो फटाफट से दूसरी गाड़ी भी लेकर आते हैं अब बारिश खतरनाक सी मकलैर की फटाफट अंदर बैठते कितनी बढ़िया गाड़ी है ये चलो इसको लेके निकलते हैं अरे बॉस मैं पक्का है कुछ ना कुछ दूर है सारी इधर उधर हिल जा रही है मैंने

मुझे बहुत ही तगड़ी लग रही थी इसलिए इसको लेके निकलते यहां से अरे ये गाड़ी की आवाज कहां से आ रही है अरे क्या हमारी गाड़िया चोरी हो रही चोर। निकलो, निकलो, निकलो। है अपनी बाय बाय पुलिस ऑफिसर्स हमारी गाड़िया और क्या है आप देख सकते हो मैंने तीन तीन पुलिस की कार एक ही बारी में यहाँ पर चुरा लिए और वो भी उनके नाक के नीचे से मतलब नाक के नीचे से उनके शोरूम से निकाली पर बोलना ऐसे

कार कलेक्शन कंप्लीट कर पाए हमारे शोरूम में बहुत चोरिया हो गई हमारी सारी की सारी गाड़िया खाली हो चुकी है सिर्फ एक बुगाटी और वो मिलियन की बची है और मैं नहीं चाहता वो चोरी हो इसलिए मैंने पूरी आर्मी बुला ली है ये आर्मी वाले मेरी मदद करने वाले उस चोर को पकड़ने में आर्मी की गाड़िया मिलिट्री टैंक हर एक जगह पर लगा दिए अब कोई कहीं से भी अंदर नहीं आ सकता और अगर कोई पानी में से आया तो मैंने ये फाइटर सब भी लगा दिए जो की कि किसी पर भी मिसाइल लॉन्च करके उसको खत्म कर देगी दर थर दर 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 थर दर, दर। अब हमारे शोरूम में कोई चोरी नहीं कर पाएगा आ, 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 आ। तो कैसे इन पुलिस वालों को लगा के था कि मैं हार मान लूंगा पर बिल्कुल नहीं मैं अभी भी इनकी गाड़िया चोरी करके रहूंगा चाहे इन्होंने मिलिट्री बुला लिया हो या फिर कुछ भी कर लिया हो वैसे जो इनकी खतरनाक से ही में बहुत ही बड़ी है और इसमें खतरनाक खतरनाक मिसाइल भी है पर आप टेंशन मत लो हम इनके शोरूम में घुसने वाले है अब हम मेन गेट से तो नहीं घुस सकते नए पीछे वाले गेट से क्योंकि वहां पर भी पुलिस खड़ी है पर हम घुसने वाले हैं इधर ऐसी मतलब हम घुसने वाले हैं इधर की छत से तो ऐसी इस शोरूम के बीच में देखो यहाँ पर छत बनी हुई है तो इसके अंदर हमें जाना है यहाँ पर और सीधा सोफा पर जंप करेंगे और लेट्स गो हम अंदर आ चुके हैं मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा आसान होगा इसके अंदर आना पर अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं अब मैं आ तो क्या मैं निकलू कैसे सामने मेरे बुगाटी खड़ी है पर लेके इसको निकलने की दिक्कत है यार इसको यहाँ से कैसे लेके निकलू चलो अंदर तो बैठते हैं फिर कुछ सोचेंगे फटाफट बैठ जाते हैं इसके अंदर और मुझे नहीं लगता और कोई रास्ता मुझे मिलने वाला है सिर्फ एक ही रास्ता है इन सारे पुलिस वालों और मिलिट्री वालों को मारते मारते हम जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ आप भी तैयार हो जाओ थ्री टू वन हट जाओ -ja. अरे ये क्या हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है तुम्हारी गाड़ी कहीं नहीं जा रही मैं इसको लेके जा रहा हूँ जल्दी निकलो निकलो निकला निकलो यहाँ से निकलते फटाफट से ये क्या हेलीकॉप्टर अरे ये हेलीकॉप्टर कहाप्टर भी आ चुके एक दो तीन सामने गाड़ी जल्दी पकाओ जल्दी पकाओ ए हो अंकल मेरी गाड़ी में बैलेंस नहीं हो रहा मेरे से तो कहे सर ये बुगाटी सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है पर उससे भी ज्यादा फास्ट इनके हेलीकॉप्टर है तो मुझे उनसे बचना पड़ेगा

Muchas dichas dipoles. जल्दी जल्दी पुलिस से स्केप करवाते ताकि हम अपनी फाइनल आखिरी कोनी सेक भी चुरा सके और अब हम आ चुके हैं अपनी सबसे सेफ जगह जो कि है ये पानी पानी में गई हमारी आखिरी गाड़ी मतलब आखिरी लास्ट सेकंड गाड़ी तो कहे सर पुगाटी भी जा चुकी है पानी में और यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियां हो चुकी है एक दो तीन चार पांच छह सात 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 गाड़िया हमने चुरा लिए अब बस वो आखिरी कोनी सेग चुराना बाकी है जो चूंकि मिलियन डॉलर की वो पानी के ऊपर चलती है हवा में उड़ती है इसलिए एक बार में उस गाड़ी तक पहुँच बहुत ही उस शोरूम तो पर एक और बार और आखिरी बार वो भी एक मिलिट्री टैंक में और इस मिलिट्री टैंक से हम इन सबको फोड़ने वाले हैं ये लो तुम्हारी ऐसी इन पुलिस वालों को हर बार में छुप छुप कर गाड़ियां चुराता पर इस बार नहीं इस बार

हेलीकॉप्टर से ज्यादा फास्ट है चलो फटाफट से स्केप करते हैं तो गाइस कायजर अभी हम आ चुके हैं अपने बॉन्ड में और फटाफट से इस गाड़ी को डाल देते हैं पानी में मैंने भी इसको पानी में चलने वाला मोड बंद कर दिया है और इस पान गाड़ी से निकल जाते हैं और गाइस कायजर आप देख सकते हो बुगाटी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी फरारी सारी की सारी गाड़ियां अपने यहाँ पर आ चुकी है और अपना पूरा का पूरा कलेक्शन बन चुका है गाड़ियों का बस वो अलग बात है की मैंने सारी सारी गाड़ियां पानी में डाल दिए तो इनको निकलवाना पड़ेगा

拜拜。Bye bye